कम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल में। तो यहाँ पर एक वैकेंसी की अपडेट आ रही है जो कि यहाँ पर एनएलसी इंडियन लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी है। अगर आप लोग बीए बीटेक किए हो तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो और आप जो इसमें एग्ज़ाम होने वाला नहीं है कोई, तो यहाँ पर एक गेट बेसिस पर ही होने वाला है। तो जो कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैकेनिकल के लिए भी दिया गया है और ट्रिपल ई इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए दिया गया है। आप लोग का मैकेनिकल में 117 पोस्ट है आप लोग का, और इलेक्ट्रिकल के लिए जिसमें डबल ई के लिए 87 पोस्ट, सिविल के लिए आप लोग का 28 पोस्ट है, आप लोग का माइनिंग के लिए 38 पोस्ट है, जियोलॉजी के लिए आप लोग का 6 पोस्ट है, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंट के लिए 5 पोस्ट है, केमिकल के लिए आप लोग का 3 पोस्ट है, और कंप्यूटर के लिए 12 पोस्ट और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए 4 पोस्ट। यानी टोटल वैकेंसीज की बात किया जाए तो यहाँ पर आप लोग का 300 पोस्ट आप लोग का यहाँ पर निकाला गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा वैकेंसीज है। ठीक है, तो यहाँ पर इनिशियल क्वालिफिकेशन आप लोग का गेट 2022 स्कोर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, जिसमें आप लोग का देख सकते हो क्वालिफाई आप लोग का गेट होना चाहिए 2022 एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद आप लोग का माइनिंग के लिए आप लोग का जो मैकेनिकल के लिए रहेगा उसमें फुल टाइम पार्ट टाइम बैचलर डिग्री अगर मैकेनिकल इंजीनियर से किए तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल के लिए उसी प्रकार आप लोग का दिया गया, अलग अलग ब्रांच के लिए अलग अलग दिया गया है स्ट्रीम। ठीक है, तो इसी प्रकार आप लोग को अप्लाई भी करना होगा। बाकी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कैंडिडेट हैव द पास नोटिफाई क्वालिफिकेशन ओनली आर द एलिजिबल, अगर आप लोग हैं तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आप लोग का डेट दिया गया है जिसमें आप लोग का एज लिमिट आप लोग का जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 30 ईयर्स, ओबीसी के लिए 33 ईयर, एसटी के लिए 35 और एसटी के लिए 35 ईयर दिया जाएगा। 1/3/2022 से आप लोग का ये काउंट किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग का देख सकते हो पेमेंट जो आप रखा है वो बहुत ही अच्छा आप लोग का रहने वाला है, जो आप लोग का 50,000 से लेकर 1,60,000 आप लोग का रहने वाला है, जो सीटीसी पर एनुअल के हिसाब से 12.20 लाख रहेगा, जो कि बहुत ही अच्छा आप लोग का रहने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग का प्लेस ऑफ पोस्टिंग के बारे में भी बताया गया जो आप लोग दे सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग का एज रिलैक्सेशन जो बताया वो आप लोग का मिलने वाला है, जिसमें 5 ईयर SC ST, 3 ईयर OBC कैंडिडेट के लिए और 10 ईयर आप लोग का PWD कैंडिडेट के लिए दिया गया, जिस कैटेगरी से आप लोग बिलोंग करते हो उसमें आप लोग अप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन की बात किया जाए तो आप लोग का मेरिट बेसिस पर होने वाला है, जो आप लोग का गेट स्कोर के हिसाब से ही होने वाला है इसमें। ठीक है, मेडिकल फिटनेस के बारे में भी बताया गया है, इसमें ऑल इंडिया वैकेंसी है, कोई स्टेट से भी बिलोंग करते हो तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग का सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड भी यहाँ पर दिया गया है, जो कि आप लोग देख सकते हो 3 लाख आप लोग का रहने वाला है बॉन्ड। बाकी हाउ टू अप्लाई के बारे में बताया गया है, जो कि आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग का PDF भी मिल जाएगा, तो वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ीस लगने वाला UREWS OBC कैंडिडेट के लिए आप लोग का एप्लीकेशन फ़ीस 500 रुपया, बट प्रोसेसिंग फीस होता है उसको मिलाकर आप लोग का 854 रुपया देना पड़ेगा। SC ST PWD कैंडिडेट एक सर्विसमैन कैंडिडेट जो रहेंगे वो आप लोग का 354 रुपया आप लोग को देना होगा पेमेंट। ठीक है, अप्लाई करने के लिए बाकी यहाँ पर डॉक्यूमेंट आप लोग का अटैचमेंट करना होगा जो आप लोग अप्लाई करोगे, तो यहाँ पर दिया गया कितना कैसे कितना के एबी के अंदर रहना चाहिए, तो ये आप लोग देख लोगे। ठीक है, अप्लाई आप लोग का स्टार्ट हो चुका है, जो कि 28/3/2022 से हो चुका है, लास्ट डेट आप लोग का 11/4/2022 तक आप लोग का लास्ट डेट रहने वाला, जो कि आप लोग अप्लाई कर लेना। आई होप आप लोग ये वीडियो अच्छा लगा हो, जल्दी से जल्दी आप लोग जाकर अप्लाई करना। ऑल इंडिया जॉब भी वैकेंसी आता हो आपको इस चैनल के माध्यम से हमेशा मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।